एक्टिविटीज होंगी आज के दिन की सोया आपकी। पड़ा है, सोया पड़ा है या जानबूझ के कर रहा है? ये देखें, ये आई थिंक सोया हैं यहाँ से। मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन काफी ज्यादा गर्मी है। भाई मेरी मंगेतर का आगे भी मैं क्या कर सकता। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू सुबारे दावासी। तो गाइस, सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को, आप सबको, मेरे तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद जस्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने आज के दिन में अभी तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो काइंडली लाजमी पढ़ लें। और मज़ीद साथ ये रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक आता रहे। और इसी पे एक शेर है आज जुम्मे के दिन पे, कि काफिर तो तरसता है त्यौहारों को, कि काफिर तो तरसता है त्यौहारों को, ऐ मुसलमान तू कितना खुशकिस्मत है जो हर हफ्ते ईद मनाता है, कि ऐ मुसलमान तू कितना खुशकिस्मत है जो हर हफ्ते ईद मनाता है। बस बस जुमा की तैयारी कर ली है, अभी निकलना है जुमे के लिए। 2 बजे जुमा होता है और इस वक्त जो टाइम है वो 1:10 हो चुके हैं। बस निकलते हैं घर से और जो भी एक्टिविटीज़ होंगी आज के दिन की आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सारे दिन की तो नहीं, छोटा मोटा जो भी होता है व्लॉग आप लोगों को बना के आप लोगों को अपलोड कर देता हूं। आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट ये होती है यार, काइंडली सब्सक्राइब करो ना करो लेकिन व्यू लाजमी किया करो और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखा करो ताकि मेरी सपोर्ट हो सके। मज़ीद चलते हैं, जैसे भी आके वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गाइस, मैंने घर में जुमा की तैयारी की है, तैयारी करके जैसे ही बाहर निकला मुझे आकिब ने कहा था कि आज इकट्ठे जुमा पे जाना है तो मैं इसके पास आया हूँ, लेकिन जब इसके पास आया हूँ तो ये यहाँ पे सोया पड़ा है। सोया पड़ा है या जानबूझ के कर रहा है? ये देखें, ये आई थिंक सोया पड़ा है यहाँ पे। तो बस जुमे का टाइम भी होने वाला है तो निकलते हैं इंशाल्लाह जुमे पे। अभी 1:15 हो चुके हैं और इधर 2 बजे जुमा होता है उस्ताद शम्मस उसकी मस्जिद में, वहीं पे जाके जुमा अदा करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कब्रिस्तान जाना है तो वहाँ पे भी जो भी व्यू हुआ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बाकी अगेन रिक्वेस्ट ये कैंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों तक आ सके। तो बस निकलते हैं जुमा के लिए, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। गर्मी बड़ी थी, बस नमाज जुमा अदा की है और उसी के बाद सीधा घर वापस आ गया हूँ। अबू की कब्र पे सुबह हर जुमे हाज़िरी देता हूँ, सुबह भी गया था तो सोचा यही था कि जुमे के बाद जाऊँगा लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने कहा चलो आज शाम को इंशाल्लाह जाएंगे। तो बाकी गर्मी यार बेहद गर्मी है चुबारा में, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे टीले होते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, टीले ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से। जहाँ पे आप लोगों के पास अगर आप किसी और जगह से हैं वहाँ पे नॉर्मल गर्मी होगी तो यहाँ पे बेहद गर्मी होती है हर साल। पहले तो नहीं थी लेकिन इन दिनों आगे फिर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो गाइस, बस जो भी एक्टिविटीज़ होंगी शाम तक आप लोग के साथ शेयर करूंगा। रिक्वेस्ट ये कैंडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों तक आ सके। सबसे पहले तो मैंने ये कपड़े उतारने हैं, मुझे ये काटन शाटन इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो कोई नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं। और बाकी नेक्स्ट जो भी होता है आप लोग निशान है इसे दबा लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक आ सके। तो गाइज़, मैं अभी भाई मोहन है उनकी बैठक पे आया हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने ये लूडो खेली है। लूडो मैं भी हारा हूँ, आकब भी हारा है और भाई मेरी मंगेतर का आगे भी मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, इसकी मंगेतर का फूल आ गया, पता है आपको जब मंगनी हुई हो तो किसी चीज़ की होश वैसे भी नहीं रहती। तो हम लोगों ने अभी जाना है सगीर के प्लाट पे, भी पता नहीं वो जाते हैं या नहीं। नमाज़ पढ़ी है, अब की कब्रिस्तान भी नहीं गए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं गया था लेकिन इसके साथ जाना था ये नहीं गया। तो ये देखें, इसे बोतल लग गई है, सराकी ज़बान में इसे बोतल कहते हैं, ये फ़ोन पे लगा हुआ है। तो उससे मैंने शेर वगैरह भी सुनने थे, मैंने कहा चलें आप लोगों को वो शेर वगैरह सुना देगा, लेकिन अब तो उसे बोतल लग गई है, मतलब कॉल पर लग गया, अपनी मंगेतर है कोई, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है यही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना ताकि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। और रिक्वेस्ट यही होती है, ओपन ना किया करो, अगर ओपन कर ही लिया करो, चला ही लिया करो तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखा करो। और रिक्वेस्ट ये कैंडी
बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों तक आ सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और रिक्वेस्ट अगेन यही है, जिन लोगों ने अभी तक दुरुस्त शरीफ नहीं पढ़ा तो कहेंगे वो भी लाजमी।